एप्पल के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू कर सकती है। भारत के लिए कंपनी है यह फैसला बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्माण प्लांट लगाने पर विचार कर रही है। फॉक्सकॉन के अध्यक्ष लियू यंग वे ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों की विनिर्माण योजनाओं का खुलासा किया है। लियू ने कहा कि फॉक्सकॉन भारत, ब्राजील और अन्य यूरोपीय देशों में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन के भारत या ब्राजील आने की विस्तृत योजना का खुलासा फिलहाल प्रकटीकरण प्रतिबंधों के कारण नहीं किया जा सकता है। लियू ने कहा, यूरोप में उत्पादन थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारियों का खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि फॉक्सकॉन जर्मन कार निर्माताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के लिए भी तैयार है। बता दें कि फॉक्सकॉन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपनी नीतियों का खुलासा सोमवार को 3 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार मॉडलों का खुलासा करने के बाद किया। कंपनी ने मॉडल सी सुव, मॉडल ए सेडान और मॉडल टी बस का खुलासा किया है। इलेक्ट्रिक कारों की रेंज 750 किलोमीटर टू वहीं इलेक्ट्रिक बस की रेंज 400 किलोमीटर तक बताई गई है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 120 किमी / घंटा होगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने ब्रांड के तहत निर्माण करने के बजाय ऑटोमोटिव बाजार में कार कंपनियों के लिए निर्माण करने की योजना बना रही है। कंपनी ने पहले ही यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता फिशर और थाईलैंड के ऊर्जा समूह PTTPCL के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए अमेरिका में एक विनिर्माण सुविधा भी खरीदी, जिसका स्वामित्व पहले टेस्ला प्रतिद्वंद्वी लॉर्डस्टाउन मोटर्स के पास था।